नंबर 30 देखिएगा, क्या कहता है आपसे ये, द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। उन्होंने क्या किया है, 31 मार्च 2018 का जो प्रॉफिट है 1,40,000 रुपीज़, ये इन्होंने कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, 2:1 के रेशियो में विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। यानी इन्होंने पैसे ऐसे बांटने चाहिए थे और इन्होंने प्रॉफिट कैसे बांट लिया, 2:1 में। तो जो इन्होंने गलत किया है हम इनसे वापस लेंगे और जैसे इनको देना चाहिए वैसे हम देंगे। भाई मैंने गलती ये किया है कि मैंने 1,40,000 इनको कैसे बांट रखा है, 2:1 में। तो मैं इनसे जो मैंने इनको पैसा दिया है वापस लूँगा। इनको क्या दूंगा, क्वार्टरली सैलरी दूंगा, सी को क्या दूंगा, कमीशन दूंगा, और जो प्रॉफिट बचेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा ए बी और सी में। वैसे ए और सी ने गारंटी दे रखी है बी को कि बी को कम से कम शेयर में कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 50,000 रुपीज़ होगा। अगर कम पड़ा तो कौन देंगे, ए और सी देंगे। कैसे देंगे, ए और सी के बीच में रेशियो क्या है, 2:1। तो जो भी कम पड़ेगा वो कौन देगा, ए और सी देंगे। किसको देंगे, बी को। किस रेशियो में देंगे, 2:1 के रेशियो में देंगे। और जो प्रॉफिट बटना वो कैसे बटना है, 3:3:2 में बटना है, ठीक है ना। आइए सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या होना चाहिए। बात ये हुई थी कि ए और बी को सैलरी कितनी मिलनी चाहिए, क्वार्टरली। क्वार्टरली कितनी, 1500। साल में क्वार्टर कितने होते हैं, 4। आइए पहले हम बात करते हैं सैलरी। सैलरी टू ए, ए को सैलरी कितना मिलना चाहिए, 1500 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया, 6,000। और बी को भी सैलरी कितनी मिलनी चाहिए, 1500 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया, 6,000। और कमीशन, कमीशन किसको मिलना चाहिए, कमीशन टू सी, सी को मिलना चाहिए कमीशन। कमीशन कितना मिलना चाहिए, 8,000 रुपीज़। अब जो प्रॉफिट बचेगा, आओ देखते हैं प्रॉफिट कितना बच रहा है। प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड कमीशन, प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड कमीशन, प्रॉफिट था कितना, 1,40,000। इसमें आपने कमीशन दे दिया किसको, ए को सैलरी दिया, बी को भी सैलरी दिया और सी को क्या दे दिया, कमीशन। तो आपके पास प्रॉफिट बैलेंस कितना बच गया, 1,20,000 आपके पास प्रॉफिट बैलेंस रह गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अभी जो प्रॉफिट है कैसे बटना था, हमारे बीच में बात हुई थी ना, ये प्रॉफिट कैसे बटना था, 3:3 और 2 में। और अगर बी का हिस्सा 50,000 से कम आया तो वो कौन कंट्रीब्यूट करेगा, ए एंड सी कंट्रीब्यूट करेंगे। और किस रेशियो में कंट्रीब्यूट करेंगे, जो उनका रेशियो है, 2:1 रेशियो में कंट्रीब्यूट करेंगे। आइए पहले हम निकालते हैं इनका प्रॉफिट शेयरिंग कितना होता है। प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग अमॉन्ग पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग अमॉन्ग पार्टनर। पहले हम बात करेंगे ए शेयरिंग प्रॉफिट, ए शेयर्स इन प्रॉफिट। तो 1,20,000 में डिवाइड किससे करोगे,
इनका रेशियो कितना था, 3:3:2, तो डिवाइड किससे करोगे, 8 से, और मल्टीप्लाई किससे करोगे, 3 से, कितना आ गया, 45,000। अब बात करते हैं अपने बी शेयर्स इन प्रॉफिट। बी शेयर्स इन प्रॉफिट वो कितना होगा, 1,20,000 मल्टीप्लाई 3 और डिवाइड 8, तो वो भी कितना होगा, 45,000। अब बात करते हैं अपने सी शेयर्स इन प्रॉफिट। सी शेयर्स इन प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1,20,000 डिवाइड किससे करोगे आप, 8 से, और मल्टीप्लाई किससे करोगे, 2 से, क्या निकल के आएगा आपका, ये इसको कट करेगा 15 से, तो आपका निकल के आएगा 30,000। आप देख रहे हो ना, बी को कम पड़ रहा है, बी को गारंटी कितनी दी गई थी, 50,000, लेकिन बी के पास कितना है, 45, तो बी को कम कितना पड़ रहा है, 5,000। और जो इनका एक्चुअल रेशियो है, एक्चुअल रेशियो क्या है, 3:3:2, ये तो रॉन्ग रेशियो था, उनका एक्चुअल रेशियो क्या है, 3:3:2, तो जो बी को कम पड़ रहा है वो कौन देगा, ए देंगे और सी देंगे, और किस रेशियो में देंगे, 3:2 के रेशियो में देंगे। आइए सॉल्व करते हैं इसको। सिंस मिनिमम गारंटी मिनिमम गारंटी टू बी ₹50,000, बट एक्चुअल प्रॉफिट शेयर टू बी 45,000, सो शॉर्टेज ऑफ रुपीज, शॉर्टेज ऑफ रुपीज 5,000 कंट्रीब्यूटेड बाय ए एंड सी, इन 3:2, एज कंट्रीब्यूशन, टू बी 5,000 को डिवाइड किससे करोगे आप, 5 से, और मल्टीप्लाई किससे करोगे, 3 से, तो ये तो कौन करेगा कंट्रीब्यूट, ए करेगा बी को, और सी इज कंट्रीब्यूशन, एंड सी इज कंट्रीब्यूशन टू बी 5,000 को डिवाइड किससे करोगे आप, 5 से, और मल्टीप्लाई किससे करोगे, 2 से, तो कितना अमाउंट आ गया आपका, 2,000। आइए अब बात करते हैं देन प्रॉफिट शेयर देन प्रॉफिट शेयर विल बी
देन प्रॉफिट शेयर विल बी कितना हो जाएगा, एज शेयर्स इन प्रॉफिट ए का शेयर पहले क्या निकल के आया था, 45,000, उसमें से क्या चला गया, 3,000 चला गया, तो कितना बच गया, 42,000। बी शेयर्स इन प्रॉफिट, बी शेयर्स इन प्रॉफिट तो बी शेयर्स इन प्रॉफिट कितना होगा, बी के पास पहले क्या था, 45,000, ए से उसके पास कितना आया, 3,000, और सी से उसके पास कितना आया, 2,000, तो बी के पास कुल कितना हो गया, 50,000। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपनी सी शेयर्स इन प्रॉफिट, सी शेयर्स इन प्रॉफिट तो सी के पास जो प्रॉफिट था वो कितना था, 30,000, और 30 में से भी उसने कितना दे दिया, 2,000 दे दिया। अब बताइए कितना बच जाएगा इसके पास, सी के पास अब कितना बच जाएगा, 28,000, ठीक है ना। आइए अब बनाते हैं प्रॉफिट एडजस्टमेंट। आपने प्रॉफिट को क्या कर रखा था, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था। प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड सबसे पहले हम बात करते हैं ए शेयर्स इन प्रॉफिट, ए शेयर्स इन प्रॉफिट कितना आपका, ए शेयर्स इन प्रॉफिट प्रॉफिट था कितना, 1,40,000, और आपने इसको बांटा कैसे था, 2:1 रेशियो में, तो मल्टीप्लाई 2 से करोगे, डिवाइड किससे करोगे, 5 से, कितना आ गया, 56,000। अब बात करते हैं अपने बी शेयर्स इन प्रॉफिट जो आपने बांट रखा था, बी शेयर्स इन प्रॉफिट वो भी सेम निकल के आएगा, 1,40,000 को डिवाइड किससे करोगे आप, 5 से, और मल्टीप्लाई किससे करोगे, 2 से, वो भी क्या निकल के आएगा आपका, 56,000। अब बात करते हैं सी शेयर्स इन प्रॉफिट, सी शेयर्स इन प्रॉफिट कितना होगा, 1,40,000 डिवाइड किससे करोगे इसको, 5 से, और मल्टीप्लाई किससे करोगे, 1 से, कितना आएगा आपका, 28,000। तो ये जो प्रॉफिट आपने बांट रखा है ये प्रॉफिट गलत बांटा है, हम इनसे प्रॉफिट वापस लेंगे, फिर इनको क्या करेंगे, सैलरी देंगे, कमीशन देंगे, और जो अंत में प्रॉफिट बचेगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा जैसा कि हमने वर्किंग में बनाया है। आइए अब बनाते हैं अपने प्रॉफिट एडजस्टमेंट, क्या बनाते हैं अपने प्रॉफिट एडजस्टमेंट।
ए बी और सी। सबसे पहले जो हमने इनको प्रॉफिट बांटा था रॉन्गली वो वापस लेंगे, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। आपको मैंने बताया था ना हम पार्टनर से लेते कैसे हैं, डीआर से। तो जो हमने इनको गलती से बांटा था हम इनसे वापस लेंगे 56,000 डीआर, 56,000 डीआर और 28,000 डीआर। और अब इन्हें हम देंगे कैसे सीआर से, तो मेरे पास टोटल अवेलेबल कितना हो गया, 1,40,000 मेरे पास वापस आ गया। अब मैं इसमें से कुछ तो क्या बांटूंगा, सैलरी पार्टनर्स को देना है, जिसको देना उसे क्या करेंगे हम सीआर। ए को कितना देना है 6,000 और बी को भी कितना देना है 6,000। हम पार्टनर्स को देते कैसे हैं सीआर से। अब बात करेंगे कमीशन, कमीशन किसको चाहिए था सी को, कितना 8,000 सीआर। अब जो प्रॉफिट बच गया उस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, वापस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। और हम तो इसका वर्किंग बना ही चुके हैं, प्रॉफिट कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। याद है ना ए का कितना आया था 42,000 सीआर, बी की कितनी बात हुई थी 50,000 सीआर और सी के पास क्या बच गया था 28,000 सीआर। अब देख लीजिए आपके पास डीआर कितना बच गया, आपके पास डीआर कितना बच गया 8,000, आपके पास डीआर बच गया। यहाँ देखो अधिक कौन सा है 56,000 और 56,000, ना तो डीआर अधिक है ना ही सीआर अधिक है। इधर देखिएगा 28 28 कट गया और क्या बच गया 8,000 आपका सीआर बैलेंस बच गया, 8,000 आपका सीआर बैलेंस बच गया, ठीक है ना। यहाँ देख लीजिए 56,000 डीआर था और ये कितना था 48,000 सीआर, तो अधिक क्या है डीआर, कितना अधिक है 8,000। यानी जो डीआर आया है उसे क्या करना है डीआर करना है, यानी फर्म इनसे क्या करती है पैसे मांगती है और फर्म इनको क्या करेगी पैसे देगी। ये डिफरेंस है पुराने और नए में, जो आपने पुराने बांटा था गलत आपने उससे क्या किया वापस ले लिया, जो आपने पुराना गलती से बांटा था आपने क्या किया उसे वापस ले लिया। फिर आपने उनको क्या दे दिया सैलरी और क्या दे दिया कमीशन, और जो अंत में प्रॉफिट बचा उसे आपने क्या किया इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका उसने बता रखा था, हमने भी वर्किंग में बता रखा है कितना कितना आया था 42,000 50,000 और 28,000। अपने आप निकल गया किसको डीआर करना किसको सीआर करना है। आइए करते हैं एंट्री, ए को तो डीआर करना है, एंट्री क्या हो जाएगी आपकी एज कैपिटल अकाउंट डीआर, एज कैपिटल अकाउंट कितना 8,000 और टू क्या हो जाएगा आपका सीज कैपिटल अकाउंट, वो भी कितना हो गया आपका 8,000। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा क्या कहता है आपसे। ए बी और सी ये तीनों पार्टनर हैं और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है 4:3:3। ऑन 1 अप्रैल 2017 दियर कैपिटल वेयर, उनकी कैपिटल कितनी थी 30,000 45,000 और 60,000। आफ्टर द फाइनल अकाउंट हैव बीन प्रिपेयर, जब अकाउंट बन के तैयार हुआ तो
तो इनको पता चला कि वो 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही भूल गए थे। यानी बिना इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए हुए प्रॉफिट को क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आइए सबसे पहले तो निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना होगा। इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल कितना होगा, 30,000 का 6%, 1800। इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल 45,000 मल्टीप्लाई 6%, कितना हो जाएगा, 2700। और लास्ट बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन सीज कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन सीज कैपिटल वो कितना हो जाएगा, 60,000 मल्टीप्लाई 6%, 3600। ठीक ना, तो ये जो इंटरेस्ट है, पहले मुझे देना चाहिए था इंटरेस्ट और फिर जो प्रॉफिट बचता उसे मुझे बांटना चाहिए था इनको 4-3-3 में। मैं आपको समझाता हूँ एग्जांपल से। जैसे मान लो ये है प्रॉफिट, इस प्रॉफिट का इतना पार्ट इनको बांटना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। ए को कितना, 1800, बी को कितना, 2700, और सी को कितना, 3600। और जो बाकी प्रॉफिट बच जाता उसको कैसे बांटना चाहिए था, 4, 3 और 3 में। लेकिन इन्होंने किया क्या, इन्होंने क्या किया है, पूरा का पूरा प्रॉफिट ही कैसे बांट लिया है, 4, 3 और 3। तो इतने प्रॉफिट में तो कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ये जो पोर्शन था ये कैसे बटना चाहिए था, 4, 3 और 3 में, और बटा भी कैसे है, 4, 3 और 3 में। यानी इस वाले पोर्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इस वाले पोर्शन में है। ये जो अमाउंट है टोटल कितना हो गया, 8100। इस 8100 को आप लोगों ने कैसे बांट रखा है, ए बी और सी में, ए बी और सी में कैसे बांट रखा है, 4, 3 और 3 के रेशियो में। मीन्स कितना बांट रखा है आपने, 3, 2, 4, 0, 2, 4, 3, 0 और 2, 4, 3, 0 आपने ऐसे बांट रखा है। ये गलत है, आपको बांटना चाहिए था ऐसे, 1800, 2700 और 3600। एक काम करो, जो आपने गलती से बांट रखा है उसे वापस लेंगे और फिर इनको हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में दे देंगे। फिर से मेरी बात सुनना, ये प्रॉफिट था, इस प्रॉफिट का इतना पोर्शन बांटना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से, और बाकी पोर्शन कैसे बांटना चाहिए था, 4, 3 और 3 में। आपने पूरे के पूरे प्रॉफिट को कैसे बांट दिया, 4, 3 और 3 में। चलो इतना पोर्शन में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉब्लम तो सिर्फ इस पोर्शन की है, क्योंकि इस पोर्शन के अमाउंट यानी 8100 कैसे बांटना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ग्रुप में, लेकिन आपने गलती से कैसे बांट दिया, 4, 3 और 3 यानी 3, 2, 4, 0, 2, 4, 3, 0 और 2, 4, 3, 0। तो सबसे पहले जो मैंने गलती से बांटा है वो वापस लेंगे, और जो सही बांटना चाहिए हम उसे वापस कर देंगे। मैंने आपको पहले भी कह रखा है बहुत सी बार, मैंने आपको पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ कि जब भी हमें पार्टनर से लेना होता है, हम पार्टनर्स को क्या करते हैं, डीआर,
और जब पार्टनर्स को देना होता है हम पार्टनर्स को क्या करते हैं, सीआर। तो ये जो अमाउंट है 3240, 2430, 2430, ये गलत है, मैंने गलत पार्ट रखा है, हम इनसे वापस लेंगे। इनको क्या देंगे, 1800, 2700 और 3600 देंगे। अपने आप जो डिफरेंस आएगा या तो डीआर होगा, वो क्या होगा, सीआर होगा। आइए बनाते हैं इसको। पास्ट एडजस्टमेंट, पास्ट एडजस्टमेंट, क्या नाम था इनका, ए बी और सी। पहले हम बात करते हैं प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। कितना कितना बार रखा था आपने, 3240, और क्या था, 2430, और क्या था, 2430। ये गलत है, ये क्या है, गलत है, हम इनसे वापस लेंगे। हम पार्टनर से वापस कैसे लेते हैं, डीआर से। और हमारे पास कितना आ गया, 8100 सीआर आ गया। मैं तो हूँ अकाउंटेंट, मैं तो इसे रखूँगा नहीं, मैं इसे वापस क्या करूँगा, आपको दे दूँगा। किस नाम से दे दूँगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से दे दूँगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से वापस बांट दूँगा। ये सीआर कैसे बटेगा, डीआर से। और पार्टनर्स को आप देना चाहते हो ना, जब भी आप पार्टनर्स को देते हो कैसे देते हो, सीआर से। और याद है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या निकल के आया था, 1800 सीआर। और क्या था आपका, 2700 सीआर। और क्या था, 3600 सीआर। ठीक है ना, अब देख लो डीआर अधिक है या सीआर अधिक है। यहाँ तो क्या अधिक है, डीआर। कितना अधिक है, 1440। यहाँ क्या अधिक है, सीआर अधिक है। कितना सीआर अधिक है, 270। और यहाँ पर क्या अधिक है, सीआर अधिक है। कितना सीआर अधिक है, 1170। और एक बात याद रखना, जितना ही क्या होता है डीआर, उतना ही क्या होता है सीआर। जितना ही क्या होगा डीआर, उतना ही क्या होगा सीआर। यानी ए को तो क्या करना है, डीआर करना है, और बी सी को क्या करना है, सीआर करना है। आइए लिख लेते हैं, एंट्री एंट्री क्या हो जाएगी, ए को डीआर करना था, एस कैपिटल। एस कैपिटल कितना होगा, 1440। टू टू क्या हो जाएगा, बीज कैपिटल। टू क्या हो जाएगा, बीज कैपिटल। कितना आपका बीज कैपिटल, 270। और टू क्या हो जाएगा, सीज कैपिटल। टू क्या हो जाएगा, सीज कैपिटल। कितना होगा सीज कैपिटल, 1170। ठीक है ना, जो आपने गलती से बांटा था आपने उसे क्या किया, वापस ले लिया। और जो देना था सही तरीके से आपने वापस दे दिया। अपने आप आ गया किसे डीआर करना है, किसे सीआर करना है। डीआर मतलब हम उस पार्टनर से उतना क्या करेंगे, लेंगे, और सीआर मींस हम पार्टनर्स को उतना देंगे। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा क्या लिखा हुआ है। रमेश, सुरेश और तोमर, ये तीनों फर्म के पार्टनर हैं। दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। कितना देना था, 10%, वो भी कितने साल का भूल गए, 3 ईयर से भूलते आ रहे हैं। इनकी कैपिटल फिक्स है, कितनी है,
1 लाख रुपीज़, 80,000 रुपीज़ और 70,000 रुपीज़। गिव द नेसेसरी एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री विथ वर्किंग नोट्स। तो ये जो पैसा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना था, मैंने उन्हें नहीं दिया होगा, तो मैंने वो पैसा अपने पास तो रखा नहीं होगा, मैंने इन्हीं में क्या किया होगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। और पता है ना, अगर रेशियो ना दिया हो तो रेशियो क्या होता है, इक्वल। तो मैंने ये पैसा इनको क्या किया होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। तो मैं इनसे पैसा वापस लूँगा और इनको अगेन क्या दे दूँगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अपने आप डिफरेंस निकल जाएगा किसे DR करना हो किसे CR करना है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहले हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन रमेश कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन रमेश कैपिटल तो कैपिटल था कितना, 1 लाख रुपीस। और 1 लाख रुपीस का कितना परसेंट आप निकालोगे, 10%। तो 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000। तो 3 ईयर में कितना हो जाएगा, 30,000। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन सुरेश कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन सुरेश कैपिटल इंटरेस्ट ऑन सुरेश कैपिटल पैसे कितने लगे थे सुरेश के, 80,000। और 80,000 का 10% कितना होगा, 8,000। तो 3 मंथ, 3 मंथ कितना हो जाएगा, 24,000। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन तोमर कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन तोमर कैपिटल, तोमर के पैसे कितने लगे हुए थे, 70,000। 70,000 का 10% कितना होगा, 7,000। और बात 3 ईयर की है, तो 7,000 × 3 कितना हो जाएगा, 21,000। तो ये वो अमाउंट है, ये वो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, मैंने इनको नहीं बांटा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं घर तो लेके गया नहीं हूँगा, मैंने वो पैसा इनको कैसे बांटा होगा, इक्वल बांटा होगा। कुल कितना आ रहा, 30, 24, 21, कितना हो गया, 75,000। ये मैंने तीनों पार्टनर्स को कैसे बांटा होगा, इक्वल बांटा होगा। ए को क्या दिया होगा, 25,000। बी को क्या दिया होगा, 25,000। और सी को भी क्या दिया होगा, 25,000। तो हम इनसे ये पैसा वापस लेंगे जो मैंने इनको गलती से दिया है, ठीक है ना। और फिर इनको मैं क्या दूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर मैं इनको क्या दूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अपने आप डिफरेंस निकल के आ जाएगा किसे DR करना किसे CR करना। तो सबसे पहले जो मैंने इनको बांट रखा है गलती से प्रॉफिट कितना, 25, 25, 25, वो मैं इनसे वापस लूँगा और इन्हें क्या दूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा। भाई जो गलती मैंने किया था मैं इनसे वापस लेता हूँ और फिर सही तरीके से मैं इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। आइए बनाते हैं इसको। सबसे पहले हम बात करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट पार्टनर्स का नाम क्या क्या है, R, S और T। सबसे पहले हम उनसे वो प्रॉफिट लेंगे जो इन्होंने मैंने जिसको मैंने इनको गलती से बांट रखा है, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड कितना कितना था प्रॉफिट जो मैंने इनको गलती से बांटा था, मैं इनसे वापस लूँगा, 25,000 DR, 25,000 DR और 25,000 DR। तो जो मैंने इनको गलती से बांटा था, हमने इनसे क्या किया,
वापस ले लिया और अब इनको हम क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इनको हम क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस देंगे। और पता है ना, हम तो निकाल चुके ही हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना था, 30,000 CR। और 21,000 CR। तो यहाँ देखो DR अधिक है या CR अधिक है, CR अधिक है। कितना अधिक है, 5,000। यहाँ देखो यहाँ अधिक कौन सा है, DR। DR कितना अधिक है, 1,000। यहाँ देखो यहाँ अधिक कौन सा है, DR। DR कितना अधिक है, 4,000। यानी S और T को DR करना है और R को क्या करना है, CR करना है। इंटी क्या हो जाएगी आपकी, क्योंकि कैपिटल फिक्स है तो सारा हिसाब किताब कहाँ होगा, करेंट अकाउंट में, इस करेंट अकाउंट, इस करेंट अकाउंट, टी करेंट अकाउंट। और टू टू क्या हो जाएगा आपका, आर करेंट अकाउंट। आर करेंट अकाउंट। फर्म पैसे किससे मांगती है, इससे, इससे कितने पैसे मांगती है, 1,000। टी से कितने पैसे मांगती है, 4,000। और टू आर, आर से कितने पैसे मांगती है, 25,000। ठीक है ना। सबसे पहले आपने क्या किया, जो प्रॉफिट आपने क्या किया था, गलती से बांटा था, वो प्रॉफिट आपने क्या किया, वापस ले लिया। और फिर जिस तरीके से बांटना था उस तरीके से आपने क्या किया, बांट दिया। अपने आप डिफरेंस निकल गया किसे DR करना और किसे CR करना। ठीक है ना। ओके, थैंक यू।